नमस्ते गाइस, आशीष हियर फ्रॉम नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच चीज़ें जो मुझे ऑनर व्यू 10 में बहुत ही पसंद आई है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी सारे वीडियोस जो ऑनर व्यू 10 के ऊपर हम लोगों ने बनाए हैं वो देख चुके हैं, उसके फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैमरा, उसका कंपैरिजन वन प्लस 5T के साथ। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ डिसाइडिंग फैक्टर जो आपको हेल्प कर सकते हैं ऑनर व्यू 10 को सिलेक्ट करने में। तो सबसे बेस्ट फीचर ऑनर व्यू 10 का है वो इसका फास्ट चार्जिंग। टेक्निकली इसके अंदर फास्ट चार्जिंग जैसा कुछ नहीं है, क्विक चार्जिंग कहता है, बट ऑनर व्यू 10 के अंदर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा है कि वो वन प्लस 5T के बराबर चार्ज करता है। हम लोगों ने चार्जिंग स्पीड टेस्ट किया था, उसमें हम लोगों ने नोटिस किया 15 मिनट में 21% और 30 मिनट में 45% तक चार्ज करता है, जो कि मेक श्योर करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन आप अपना बैटरी एटलीस्ट 40-50% चार्ज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी इसमें है। दूसरी चीज़ जो मुझे इसके पसंद आई वो इसका होम बटन का इम्प्लीमेंटेशन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। ऑलमोस्ट 6 इंच का फ़ोन है और यूजुअली ऐसे फ़ोन में फिजिकल बटन्स नहीं होते हैं, बट ऑनर ने फिंगरप्रिंट सेंसर को फ्रंट में डाल के उसे होम बटन में कन्वर्ट कर दिया है और जितने भी एक्शंस हैं वो सारे गेस्चर्स के थ्रू फ्लॉलेसली काम करते हैं, बड़े आराम से, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे अभी तक। थर्ड फीचर है इसका ड्यूल VoLTE। इंडिया में कई लोगों के पास दो सिम है आज के समय, स्पेशली जियो के आने के बाद जियो VoLTE सपोर्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दो 4G सिम हो और दोनों पे आपका डेटा चले तो ये पॉसिबल है ऑनर व्यू 10 के साथ। इसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इसका EMUI 8.0, जो कि ओरियो 8.0 पे है, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलता है। EMUI 8 में काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं जैसे कि फेस अनलॉक, प्राइवेट स्पेस, जिसका कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत खूबसूरत है। आप चाहे तो दोनों के लिए अलग अलग फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं और जो भी फिंगरप्रिंट आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से वो सेकंड स्पेस में लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आता है कैमरा का। कैमरा का जो फीचर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इनका स्मार्ट डिटेक्शन। ऑनर व्यू 10 एक AI बेस्ड फ़ोन है, एक इसके प्रोसेसर पे AI के लिए स्पेसिफिक चिपसेट है और वो ये लोग कैमरा के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो पिक्चर लेते वक्त अगर कोई भी सीन होता है, एक ग्रीनरी का सीन हुआ या SDR सीन है या फ्लावर्स का सीन है या फूड का सीन है, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और पिक्चर को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेगा। लास्टली व्यू 10 में एक ट्रांसलेटर ऐप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है, बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट कैसा है कि ये रियल टाइम में ऑडियो, टेक्स्ट या कोई भी एक पिक्चर से टेक्स्ट को किसी भी दो लैंग्वेज के बीच में कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे जाते हैं और वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप इसको यूज़ करके ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फीचर्स मुझे नहीं पसंद आए हैं। दोनों फीचर्स कैमरे से रिलेटेड है। पहला मुझे जो फीचर नहीं पसंद आया वो इसका बोके इफेक्ट या पोर्ट्रेट मोड, आप जिसको बोल सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड बहुत परफेक्ट नहीं है, उसका एज डिटेक्शन अभी भी बगी है, जैसा कि हम लोगों ने ऑनर 7X में देखा था। सेकेंड, पिक्चर लेते वक्त ये स्किन का टोन परफेक्ट नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता, काफ़ी वाइटिश और पिंकिश है। अगर आप लोगों ने वन प्लस 5T के साथ हमारा कैमरा कंपैरिजन देखा होगा तो वन प्लस 5T का स्किन टोन डिटेक्शन बहुत ही परफेक्ट है और बिल्कुल नेचुरल लगता है, जो इंडियन स्किन टोन के साथ मैच करता है। सो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू ऑनर व्यू 10 के बारे में। काफ़ी इम्प्रेसिव फ़ोन है और इस कैटेगरी में वन प्लस 5T और कोई भी अदर फ़ोन है उसको टक्कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में बताएं ऑनर व्यू 10 आपको कैसा लग रहा है। देखने के लिए धन्यवाद।